अस्पताल में मारपीट के लगातार वायरल हो रहे वीडियो। दुर्भाग्यपूर्ण NSUI ने CMO के खिलाफ कार्रवाई न होने पर घेराव की बात कही। पिछले दिनों वायरल वीडियो में CMO चैम्बर में जमकर मारपीट हुई थी। CMO घूस लेते भी पकड़े जा चुके हैं। गांधी अस्पताल में मारपीट के लगातार वायरल हो रहे वीडियो दुर्भाग्यपूर्ण। NSUI ने CMO के खिलाफ कार्रवाई न होने पर CMO ऑफिस के घेराव की बात कही। पिछले दिनों वायरल वीडियो में CMO चैम्बर में जमकर मारपीट हुई थी। CMO घूस लेते भी इसके पहले पकड़े जा चुके हैं। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। CMO अलक प्रकाश के खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई हो, कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI ने कहा। कार्रवाई नहीं तो CMO कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आए दिन मरीजों और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर NSUI ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये होने के बाद भी CMO ऑफिस में इस तरह की घटना घटती है, कहां सो रहा है वो विधायक सांसद? अभी हम ये आपके माध्यम से बता रहे हैं, 2 दिन का समय दे रहे हैं। अगर डॉक्टर अलक प्रकाश को CMO पद से नहीं हटाया गया तो NSUI इसको उग्र आंदोलन करेगी, सड़क पर उतर कर CMO कार्यालय का घेराव करके तालाबंदी तक करेगी। और इस बात को लेके हम यहाँ से भोपाल तक चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री तक के पास जाएंगे, अपने प्रदेश नेतृत्व को लेके उनसे पूछेंगे कि जिस डॉक्टर के खिलाफ लोकायुक्त ने 10,000 रिश्वत लेने की कार्रवाई की हो, उसको CMO जैसे दायित्व पद में कैसे बैठाया गया है, क्या वजह है। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे रीवा जिले के सांसद महोदय, माननीय सांसद जी, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मऊगंज में एक विद्यालय में जाके बिना ग्लव्स के, बिना ब्रश के, बिना क्लीनर के टॉयलेट हाथ से साफ करते हैं, पर अपने बगले से गज 3 किलोमीटर दूर संजय गांधी अस्पताल, जो कि बिंद का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक किसी गरीब की मदद करने पहुंचे हूँ तो बताएं। अच्छे लाल रावत, पिताजी का नाम शंकर लाल रावत है, उम्र 32 साल, सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली गोरबी के रहने वाले हैं। उन्होंने ₹12,000 में बिंदिया हॉस्पिटल से ब्लड खरीद कर लाए और उनके पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है और खून यहाँ नहीं चढ़ाया गया और उनका पैसा भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। आखिर ये कब, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और डॉक्टर अलक प्रकाश, जो कि पिछले सत्र जुलाई में लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार डॉक्टर को CMO जैसे पद में बैठाया गया है, क्या वे CMO जैसे पद में बैठने के लायक हैं? जिस तरह से परिजनों के साथ वो मारपीट करवाते हैं, हॉस्पिटल गार्ड को सौंप के रखे हैं, बिना वर्दी के कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, कोरक्सियों को जो उनके इशारों पर मरीज के परिजनों से, मरीजों के साथ हाथापाई करते हैं। अभी तो मात्र दो तीन वीडियो ऐसे उपलब्ध हुए जिसमें ये पता नहीं ऐसे कितनी मारपीटें होती रहती हैं। और पुलिस भी सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर चलती है, न तो किसी गरीब परिजन मजदूर की कोई सुनवाई करती, जैसा डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं उन्हीं के अनुसार चल के कार्रवाई करती है। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई CMO डॉक्टर अलक प्रकाश के ऊपर?